हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अगर आपके पास कोई पुराने शेयर्स हैं तो उसको किस प्रकार से आप उसके डिविडेंड क्लेम करेंगे और साथ ही उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, पर इसके भी आप पे फिर भी कमेंट आ जाता है, लोगों को डाउट्स हो जाते हैं, तो एक बार फिर से हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि क्या पूछना चाह रहे हैं और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास आया था कमेंट, JSW का वारंट एंड शेयर फिजिकल कोड डिजिटल कैसे किया जाए एंड डिविडेंड लिया जाए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम कई वीडियो बना चुके हैं कि अगर आपके पास डिविडेंड वारंट नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं और साथ ही जो फिजिकल शेयर्स हैं उसको डिजिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने RTA से कॉन्टेक्ट करना होगा और उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपका ये फोलियो नंबर है और इसके बिहाफ पर जो आपके पास डिविडेंड आना चाहिए वो अभी तक नहीं रिसीव हो रहा है। देन अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स ओरिजिनल मौजूद हैं तो आपको वो डिजिटल कराने के लिए अपने डिपॉजिटरी यानी जहां डीमैट अकाउंट है वहां भेजना होगा, देन वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके साथ सिंपली आपको अपनी KYC भेजनी होती है और एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करके देना होता है अपने डिपॉजिटरी को। तो आपको जो है अपने डिविडेंड के लिए RTA से कॉन्टैक्ट करना है और फिजिकल को डिजिटल करने के लिए अपने डिपॉजिटरी से कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और कमेंट आया था, ये उसको देख लेते हैं। ये पूछते हैं, हाय, डू वी नीड टू टेक द सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द ब्रांच ऑफ ऑफिशियल ब्रांच वेयर इज अकाउंट इज मेंटेन और वी कैन टेक इट इज टू सेम अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक वेयर वी हैव अनदर अकाउंट। आफ्टर ऑल इट इज़ जस्ट द सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड नाउ ऑल ब्रांच बैंक ब्रांचेस विद वन बैंक प्रिंसिपल। यस, ये हाँ जी, ये सही है कि सारे जो भी ब्रांचेस हैं वो अपने एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं और सारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन का ही प्रोसेस है, बट फिर भी जो बैंक जहाँ का आपका होता है उसी बैंक का आपको स्टैम्प लेना पड़ता है और ये RTA द्वारा सेबी द्वारा बनाया नियम है, तो इसको हम नहीं डिनाई कर सकते हैं और जैसा उन्होंने बताया उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। यदि आपके पास अलग अलग दो बैंक में अकाउंट है तो आपको दोनों जगह से अपने फॉर्म वेरीफाई कराने होंगे और एक बैंक जो एक फॉर्म वेरीफाई कर देता है दूसरा बैंक उसको नहीं करता है, तो इस वजह से आपको दो फॉर्म अलग अलग फिल करने पड़ेंगे, दो जॉइंट होल्डर हैं तो, और दोनों के सिग्नेचर उन अलग अलग बैंकों से कराने होंगे, तब जाके आपका सिग्नेचर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इससे रिलेटेड और भी कई वीडियोस मैंने पहले ही बनाई हुई है, मेरे चैनल पे अपडेटेड है तो आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी डीमैट या डिविडेंड से रिलेटेड है उसके ऊपर भी स्पेयर्स वीडियो मैंने बनाई हुई है अलग से, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या कमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।